आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। दुमका के जरमुंडी प्रखंड के दर्जनों मजदूर तमिलनाडु से 2,30,000 रुपए में बस रिजर्व कर आज जरमुंडी पहुँचे। सभी 32 प्रवासी मजदूर बस से सीधे जरमुंडी CHC पहुँचे, जहाँ स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सबको आवश्यक दिशा निर्देश के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। प्रवासियों ने बताया कि लाख प्रयास के बाद भी हम मजदूरों को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई, किसी तरह पैसे की जुगाड़ कर बस रिजर्व कर हम लोग आ सके। जरमुंडी से आरपी भारत के संवाददाता सुतिब्रो की रिपोर्ट। लॉकडाउन जब से नहीं हुआ, जब से लॉकडाउन हुआ उसके पहले सब कुछ हम लोग को अच्छा था, खाना पीना पैसा होता हर चीज। लॉकडाउन हुआ उसके बाद ना खाना मिला ना पैसा मिला, जितना पैसा पाएंगे वो भी नहीं देने लगा मालिक लोग। फिर हम लोग यहाँ पे DC को फ़ोन किए, मुखिया को फ़ोन किए, अपना पंचायत समिति को फ़ोन किए, हर जगह फ़ोन किए, कहीं से कोई सहायता नहीं मिला, वहाँ का भी सरकार कोई सहायता नहीं दिया। लास्ट में हम लोग कुछ किसी तरह करके मोबाइल अपना मोबाइल बेच के घर से किसी तरह कर्जा ऋण करके पैसा मंगा के हम लोग 2,30,000 में बस करके फिर हम लोग घर वापस आए। सब लोग आप जरमुंडी प्रखंड के? हम लोग जरमुंडी प्रखंड के हैं, कर्मा गाँव का है हम लोग सब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार राव। गांव का है आपका? मेरा गांव कर्मा।